सुबह सुबह मौसम है, सभी लोग भी देखो ये देख सकते हो। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह का मौसम है, सुबह अभी 6 बजे हुए हैं और मैं उठ गया। मैं आज सोचा चलो आज ब्लॉग शूट करता हूँ, काफ़ी देर के बाद छत पर और अभी उठा हूँ। जस्ट अभी उठ गया 4 बजे, लेकिन चेक दिया मोबाइल फोन चले यार ब्लॉग थोड़ा सा शूट करता हूँ अपना। काफ़ी ऊँचाई भी रहा है मेरा, मोबाइल लगा हुआ है तो हवा भी चले कहीं लगता है। ये तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आया मेरे को सुबह उठने में, लेकिन बात है कि नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए सो नहीं पाता मैं काम करने में। क्या देखो अपन 11 बज जाते हैं खाते पीते सोते, क्योंकि तो फाइनेंस के काम में बहुत टाइम हो जाता है इसलिए अपन लेट हो जाते। आज मैं उठा और कहा चलो आज थोड़ा सा ब्लॉग बनाता हूँ यार, बहुत दिन के बाद, क्योंकि देखो फील्ड में भी जाएंगे अभी। फील्ड में जाने के बाद थोड़ा सा क्या है टाइम नहीं मिल पाता है, और यहाँ पर आया तो मैं चलो छत पर जाता हूँ और ब्लॉग बनाना था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा ब्लॉग शूट करने का, तो चलो ब्लॉग बनाता हूँ। तो दोस्तों आपसे क्या बताऊँ, तो आपको अच्छे से कंटेंट नहीं दिखा पाता जब यहाँ पर बिजी रहती है, क्योंकि पैसे थोड़ा डिस्टर्ब है यार क्या बताऊँ, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ कि अच्छे से कंटेंट आपको दिखा दूँ। बहुत दूर दूर कहीं जगह जाऊँ, कुछ अच्छा सा प्रोफेशनल प्लेस दिखाऊँ, रिवर दिखाऊँ, झरने दिखाऊँ, दूर दूर जाऊँ, ये सब को लेकर ब्लॉग जाते हैं अपना शूट करने, वैसे जाऊँ उस जगह मैं नहीं जा पाता हूँ। तो कोई गाइड नहीं दोस्तों, गलती माफ करना, समय आएगा कभी तो जाऊँगा, लेकिन कहते समय किसी का आता नहीं है, कोई नहीं लाना पड़ता है, तो किस्मत में नहीं हार्डवर्क में विश्वास करना चाहिए, सही बात है। तो दोस्तों अभी देखो तो मैं छत अभी फ़िलहाल छत पे हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की यार कोशिश की। अरे यार बहुत दिन से ब्लॉग तो बनाए हो, बहुत कम लोग उठे हुए हैं है ना। यहाँ पे ये बिल्डिंग है पूरे विजय राघवगढ़ है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार यहाँ पे ब्लॉग। ये आम जो है ना अभी आज इस बार आए नहीं हुए, लेकिन उस बार जैसे था ना बहुत ही आए थे। मेरी धन्नो खड़ी होगी देखो वहाँ पे, वो नीचे खड़ी है यहाँ पे। जस्ट आप देख सकते हो यहाँ का कुछ ऐसा शानदार सा व्यू नज़ारा है, देखो कौवो बोल रहा कहाँ कहाँ। फिर यार बताना मेरे ब्लॉग आपको पसंद आता है या नहीं आता है ना। चलो आपको चारों तरफ का सीन दिखा देता हूँ, चारों तरफ का सीन दिखाइए। यहाँ का जो पेड़ है काफ़ी शानदार सा पेड़ है, तो मैं यहीं पर मेरा डेली का रूटीन होता है, जाना होता है ऑफिस, ऑफिस से फील्ड, फील्ड से ऑफिस, बैंक, बैंक से डिस्बर्समेंट, लोन वगैरह वगैरह सब चलता रहता है। चलो अभी फ़िलहाल चलता हूँ, अच्छा आपको नीचे दिखाता हूँ, वाली गिरने का लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को जाना है, जानते हो कहाँ जाना है, मतलब जाना है फील्ड पे, वहाँ जाना है आज अपने को टिकारी तब जाना, कटनी रोड जाना है, कटनी रोड में जबलपुर रोड से है ना, वहाँ पर जाना है अपने को। वहीं मेरी फील्ड है आज है टिकरिया बोलते हैं, वहाँ तरफ जाऊँगा भैंसवाही रोड से जाते हुए कटनी। अपने मैहर जो बसें आती सतना से आती है ना, वो तो कभी कभी अच्छा लगा करता, कभी कभी मिला करता है अपने यहाँ की बसें जो आती हैं सतना से, अच्छा लगा करते रहे मेरी बस की, मेरी यहाँ की बस है जब MP यूनिवर्स पढ़ता हूँ और सतना जिले की बस है। मेरे यहाँ का ऐसा कुछ सीन है, देखो दरवाज़ा चारों तरफ लॉक किया है मैंने, ये यहाँ का ऐसा सीन है। के ब्लॉग में आज इतना ही दिखाना की कोशिश करूँगा आज मैं, क्योंकि अभी ये छत पे खुलूँ, छत पे ज़्यादा कुछ वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं सकता। अब जाऊँगा मैं फील्ड की तरह, और फील्ड में आप लोग अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाऊँगा, वहीं पर जाऊँगा यहाँ से तो ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि दोपहर काफ़ी हो जाती, घाम बहुत हो जाता है, धूप हो जाती है ना, ब्लॉग करने में अच्छा नहीं लगा करता है क्योंकि सब कुछ रहता है। अब देखो अरे सनसेट अब आ गए हैं, जो सनसेट अभी दिखाता हूँ आपको, वही आए हैं ना,